यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोगों का एक समूह है जो ये विश्वास करता है कि अगली बार जब जीसस आएंगे तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में आएंगे। आमतौर पर यह विश्वास है कि वो जेरूसलम के माउंट ऑलिव पर आएंगे, पर अब अमेरिकी लोग कह रहे हैं वो इसराइल क्यों जाएंगे, वो जाने के लिए अच्छी जगह नहीं है, वो यूनाइटेड स्टेट्स आएंगे। तो उन्होंने मुझसे एक बड़ी सभा में ऐसा ही एक सवाल पूछा, सदगुरु आपको क्या लगता है, जीसस यूनाइटेड स्टेट्स में आएंगे या जेरूसलम में? मैंने कहा, देखिए पिछली बार जब वो जेरूसलम में आए थे और वो बोले आओ मेरे साथ चलो, सिर्फ 12 लोगों ने सुना। आज आप उन्हें एक महान प्राणी मानते हैं लेकिन सिर्फ 12 लोगों ने उनकी सुनी, उनमें से एक ने अजीब काम किया, ठीक है, लेकिन अगर वो आज यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं और अगर वो कहते हैं आओ मेरे साथ चलो, आपने एक बैंक लोन ले रखा है, स्टूडेंट लोन, कार लोन, हाउस लोन, हॉलिडे होम लोन, आप 45 सालों तक गिरवी हैं। अगर जीसस कहते हैं आओ मेरे साथ चलो तो कोई नहीं आएगा क्योंकि सभी को बैंक जाना है। तो आपने खुद को ऐसा उलझा लिया है कि अगर सबसे महत्वपूर्ण चीजें भी हों तो आप अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकते। हेलो, अगर आपके पास सबसे महान चीजें आए तब भी आप अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकते, यह गुलामी का जीवन है ना? गुलामी क्या होती है? आप चुन नहीं सकते, यही गुलामी होती है ना? अब आप अपने जीवन में इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि आप चुन नहीं सकते, आप अपनी व्यवस्था में फंस गए हैं। एक मकड़ी जाल बुनती है ताकि अन्य चीजें उसमें फंसे, लेकिन अगर आप वैसी मकड़ी हैं जो अपने ही बुने जाल में फंस जाती हैं तो आप एक भोंदू मकड़ी हैं, है ना? और ज्यादातर इंसान इसी स्थिति में है। अगर कोई महत्वपूर्ण चीज होती है, आप जिस दिशा में जा रहे हो, अगर उस दिशा में कोई वाकई महत्वपूर्ण चीज हो तो आप उस दिशा में जा सके, आपकी व्यवस्थाएं आपको ना फंसाएं। ये एक बुद्धिमानी भरा जीवन है। अगर आप सच में स्मार्ट हैं तो आप ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे जो आपको सहारा दें, ना कि आपको फंसा दें, है ना?